नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन आप पार्टी के प्रत्याशी हरमोहन धवन ने चंडीगढ़ सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले धवन ने एक रोड शो किया। इस रोड शो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं का हजूम उमड़ा। ये रोड शो धवन के घर सेक्टर 9C से निकला, जो कि शहर के कई सेक्टरों से होता हुआ सेक्टर 17 DC कार्यालय पहुंचा। इसके बाद धवन ने अपना नामांकन पत्र मतदान अधिकारी मनदीप सिंह ब्राड को सौंपा। मैं आज बहुत खुश हूँ, जो जनता से मुझे आभार प्यार मिला है, जो इज्जत मान मुझे मिलती है, आज जनता ने दिखा दिया है सड़कों पर आकर। और ये चुनाव जो है कांग्रेस ने भी भरा है, भाजपा ने भी भरा है, मैंने भी आज जितनी सादगी से भरा है, ये दर्शाता है आम आदमी पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। और ये चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। देखो ये जनता चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और भाजपा का आपस की लड़ाई है वो लड़ेंगे, हम चुनाव जीते पड़े। सोमवार को धवन के साथ साथ 5 और प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, जिनमें शिवसेना चंडीगढ़ के अध्यक्ष परमजीत सिंह, अपना दल पार्टी की ज्योतिप्रीत कौर, चंडीगढ़ आवाज पार्टी से अविनाश सिंह शर्मा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया पार्टी से सुभाष गोयल व निर्दलीय उम्मीदवार बूटा सिंह ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन भरा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।